पद्मश्री डॉक्टर साहब की इनकी तरह पूरा का पूरा नक्शा हिंदुस्तान बनो। ग्लोबल पर्सनालिटी ऑफ बॉलीवुड अवार्ड गोज टू पद्मश्री टॉम ऑल्टर जी। ज्यादा कल हो जाए दोस्तों, मैं चाहूंगा इनकी आशिकी श्रवण साहब की मौसीकी के साथ में हम जुबान हो जाए। दोस्तों तालियों की गड़गड़ाहट में कमी होनी चाहिए, जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। अरे सर 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 इजाजत सर, आप अपने आप में अजीम शख्सियत है, मैं आपको इजाजत क्या दूं सर? देखिए वैभव शर्मा जी, मैं क्या तारीफ करूं, एक शायर ने कहा था बहुत पहले, उसका तखल्लुस अमीर है और वाकई उनके ख्यालात भी बहुत अमीर है। उन्होंने कहा कि मेरे हुनर को कोई नहीं कदरदान अमीर, अमीर सॉरी मीर नहीं अमीर, मेरे हुनर का कोई नहीं कदरदान अमीर, शर्मिंदा हूं मैं अपने कमालों के सामने। तो वैभव शर्मा जी, आप अपने कमालों के सामने शर्मिंदा मत होइए, हम आपके मुरीद हैं। और आज की शाम जो है ना सिर्फ इसका बंदोबस्त बल्कि इसकी पूरी रोशनी जो आप शाम 5-6 बजे से फैला रहे हैं चारों ओर चारों सिमत, ये बहुत बड़ा काम है। और ये जो आपने एक रिसाला निकाला है, मैगजीन निकाली है ऑन द 100 ईयर्स ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज उस पर नजर डालें। 100 personalities ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऑफ द लास्ट 100 ईयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग अंटिल टुडे, ये एक वैभव शर्मा जी का कमाल है। तो मैं चाहूंगा कि वो मैगजीन पर आप जरूर नजर डालें, बहुत नायाब चीज है। और मेरे ख्याल से अब शायद वो मैगजीन आपके सामने पेश की जाएगी। और ये क्योंकि हम 100 साल मना रहे हैं और मैं बहुत खुशनसीब हूं श्रवण जी नर्मा जी, 100 साल में से 40 साल तक मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूं और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं। आपकी मौसीकी, आपके साथ काम करने का मौका कभी मुझे हासिल नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन जरूर होगा। और इस मौके का मैं फायदा उठाना चाहता हूं एक बहुत बड़ी गलत फहमी को दूर करने के लिए। मैं हिंदुस्तान आया नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मैं हिंदुस्तानी हूं, खालिस हिंदुस्तानी हूं, पैदाइश मसूरी की है जो यहां से ज्यादा दूर नहीं है। तो अगर मुझे कुछ हिंदी या उर्दू आती है तो इसमें तहज्जुब या आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में सर, आपकी जो संस्था है आर के HIV/AIDS रिसर्च एंड केयर सेंटर, मैं इसकी क्या दाद दूं, क्या तारीफ करूं। आप जो काम कर रहे हैं ये आप इंसानियत के लिए कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है सर। और ये आप दोनों की बदौलत ये वैभव शर्मा जी दुनिया में आए, ये आपके वालदेन हैं, माता जी पिताजी इनके। और शर्मा जी मैडम शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस नायाब चीज को पैदा किया, आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बहुत शुक्रिया।